अस्सलाम वालेकुम। लाइक कमेंट केयर शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत मजे की बात शेयर करने वाली हूँ। एज यू नो, कुछ टाइम पहले हम लोग थे कराची में एंड वहाँ पर आई ट्राइड रियली हार्ड कि मेरा बैंक अकाउंट खुल जाए, लेकिन टू नो यूज। बट गुजरांवाला में बाबा की पार्टनरशिपिंग है, डीलरशिप है, अभी आपको भी दिखाते हैं। तो वहाँ से अब सैलरी अकाउंट खुलवाएंगे क्योंकि कराची में तो खुलने से रहा। और गेस वॉट, बिना आईडी कार्ड के एक फ़ोन कॉल पे हमजा ने मेरा अकाउंट खुलवा दिया। बस मुझे जाके बायोमेट्रिक करना और मेरा अकाउंट खुल गया। जस्ट ये होते हैं कॉन्टैक्ट्स जो आप पंजाब में रहकर कर सकते हैं, कराची में रहकर नहीं कर सकते हैं। सो ऑल थैंक्स टू पंजाब, लाइक आई एम सुपर हैप्पी। वहाँ पर सारा काम मेरा हो चुका है, आई जस्ट हैव टू गो एंड गिव माई हैंड इम्प्रेशन या जो भी माई बायोमेट्रिक, और उसके बाद आई विल बी एन ऑफिशियल होल्डर ऑफ बैंक अकाउंट। येस, मिशन बैंक अकाउंट अकम्पलिश्ड, ऑल थैंक्स टू माई डियर हबी एंड माई फादर इन लॉ। तो अब हम आपको होंडा भी दिखाते हैं जल्दी से, होंडा गुजरांवाला। अगर आपको कभी कोई गाड़ी खरीदनी हो हमसे तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस फ्रीली, और आप आके अपनी मन मर्जी की गाड़ी बुक कराएं और लेकर जाएं। आ गए होंडा गुजरांवाला में एंड हमजा इज़ ऑन कॉल विद द मैनेजर। हाँ ठीक है, मैं बाहर ही खड़े हैं गुजरांवाला। सो ये है जी होंडा होंडा गुजरांवाला। पहला बैंक अकाउंट अंगूठा लगा कर आ गई हूँ। इट लेजिट टुक अस, ओके, सो इट एक्चुअली टुक अस 2 मिनट्स, आई थिंक 2 मिनट लगे होंगे, और 2 मिनट मैंने लगाया अपना अंगूठा एंड वी आर फ्री नाउ। अब हम जाएंगे सियालकोट हैप्पीली। आई एम फाइनली द ओनर ऑफ अ बैंक अकाउंट। जस्ट यार, कोई पेपर क्यों नहीं मिला मुझे, लाइक अ डॉक्यूमेंट? वो ले लेंगे ना, उनको मिल जाएगा। अच्छा, चलो वो चला जाएगा शोरूम, फिर हम वहाँ से डिलीवर करवा लेंगे या तो कराची, और अगर हम इधर हुए तो फिर हम सियालकोट मंगवा लेंगे। बट ओ माय गॉड, मैंने आधा घंटा एचबीएल में और कराची में एमसीबी में इतना लेक्चर सुना था उन अंकलों से कि ये भी लेकर आओ, वो भी लेकर आओ, ऐसे भी करो, ऐसे भी करो, एंड लाइक ह्योर इट जस्ट टुक मी, लाइक उन्होंने सारा पेपर वर्क पहले से रेडी रखा था। आई जस्ट हैड टू गो गिव माय थंब इंप्रेशंस, उन्होंने जो बताया यहाँ आया साइन कर दो, एंड आई जस्ट साइंड एंड आई नाउ हैव अ बैंक अकाउंट यू गाइस। So now you're officially watching somebody who has a bank account in Pakistan. मतलब although सब मुझे पागल समझेंगे, but I do have a bank account, you guys. कितनी मजे की न्यूज़ है। मतलब ये मैं छोटी चिंती चिंती चीज़ों पर खुश इसलिए हो रही हूँ बिकॉज मैं ऐसे ही हूँ पागल सी, मुझे हर चीज़ पर खुशी हो जाती है। तो I have a bank account now. You're talking to somebody who has a bank account. So anyway, मैं आपको ये नहीं बताने वाली हूँ कि कौन सा बैंक था, बिकॉज मेरा काम ऐसे थोड़ा सा ऐसे सिफारिश टाइप कैसे हुआ है, तो आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू गेट इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ मी। बट ऑल थैंक्स टू माई फादर इन लॉ, जिन्होंने बहुत सारे फ़ोन घुमाए। बेचारे ने बहुत कोशिश की कि मुझे इसे गुजराना तक नहीं आना पड़े, क्योंकि उस पर्टिकुलर बैंक में मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना था, और सिर्फ उस सियालकोट में बस वो एक वाहिद वो बैंक है जहाँ पर उनकी कोई सोर्स नहीं थी, वरना तो मुझे जाना भी नहीं पड़ता और मेरा अकाउंट वैसे ही खुल जाता। बस शायद बायोमेट्रिक के लिए इवेंचुअली जाना पड़ता, क्योंकि गुजरांवाला वाले होंडा से अफिलिएटेड था जो सर्टन बैंक से मुझे अपना बैंक अकाउंट खुलवाना था, तो लिहाजा हमें इधर आना पड़ा। बट यहाँ पर आने के बाद भी मुझे लिटरली टुक मी लाइक टू मिनट्स हार्डली। बट ओ माय गॉड, मतलब कराची में आप कितनी भी बड़ी रिसोर्स हो है ना, आप नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज चलती नहीं है अनलेस यू आर सम यू गेट द वर्ड। मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि हम सारे तो स्माइलिंग इधर बिकॉज ही ऑल्सो अंडरस्टूड, और अगर आप समझदार हैं तो आप भी समझ गए होंगे कि अगर मैं वो होती और मैं चाहती तो मैं तो पूरा बैंक पे उठा के ले जाती, मुझे कौन रोकने वाला है, क्योंकि है ही उनका दुनिया। वो समझ तो वो भी जाएंगे कि किनकी बात हो रही है। नहीं समझता, कोई नहीं समझता, जिनको समझो समझदार है बस वो समझ होंगे कि मैं किसको रेफर कर रही हूँ, और जो नहीं समझदार है उनको नहीं समझ आएगा कि मैं किनको रेफर कर रही हूँ। पर अगर मैं उनमें से होती तो डेफिनेटली बैंक अंदर नौकरी भी उन्हीं के पास है, काम भी वही कर रहे हैं, तो सिर्फ उनकी सिफारिश चलती है क्योंकि पूरा कराची और पूरा सिंध वही चला रहे हैं। सो यू गेट द पॉइंट। अब हम जा रहे हैं, खैर भी
ऑन अ वे बैक टू सियालकोट, क्योंकि अगर मैं अपनी दोस्त को बता देती कि मैं उसके घर से लिटरली 2 मिनट दूर हूँ तो उसने बुला लेना था, और फिर मैं जाकर उसके सर पे बिन बुलाई मेहमान की तरह जहमत नहीं बनती. ऑल्दो हमारा मेहमानों वाला रिश्ता नहीं है, बट आई डिड नॉट वांट टू कॉज हर एनी परेशानी. ओ ये क्या हुआ आगे? ये क्या हुआ हुआ है? यू गाइस लुक एट दिस, ओवरलोडेड ट्रक पलट गया. देखें आप लोग, ओवरलोड होने का नतीजा. और यार आजकल मैं इतने उल्टे उल्टे ट्रक देख रही हूँ. ओह हो, वो मजे मजे की चीजें दिखाती हूँ रास्ते में, जो जो मुझे दिखते जाता है. लेट्स यू नो सी पंजाब. नंबर वन इज दीज बिग रोड्स, चौड़ी चौड़ी रोड है. ये है जी पॉइंट नंबर वन. अब कोई मजे मजे की चीजें दिखनी है तो मैं आपको वो भी दिखाते जाती हूँ. ये रही जी डॉल्फिन पुलिस, तमीज से जाती हुई, नॉट मिसिंग. हाँ अच्छा हाँ, वो भी स्पोर्ट्स बाइक पे, नॉट मिसिंग सिंध पुलिस एनी मोर. तो ये है पॉइंट नंबर टू, वरना अब तक किसी ना किसी रीज़न से पैसा खाने के लिए हमें रोक लिया गया होता. बट गुड जॉब पंजाब पुलिस, ये लोग कम चोर हैं, ये फैक्ट है. किसी ने पंजाब पुलिस ने मुझे पकड़ के ना अंदर कर देना है, पंजाब नहीं सिंध पुलिस ने, सॉरी. हियर हम जा रहे हैं लेफ्ट पे टुवर्ड्स सियालकोट, तो हमें जाना है इधर. मेरी शादी हो जाएगी तो इधर नीचे क्या बोल दो, क्या दुआ दे रही हो कि शादी हो जाए मेरी? शादी. लेकिन ये कौन है फिर तुम्हारे हिसाब से? मेरे साथ शादी करवाने की बात करी है, दूसरी शादी. अल्लाह ताला भी, अल्लाह. अच्छा हटो बस, चलो नहीं मुझे दूसरी नहीं करनी शादी, मैं एक से बहुत परेशान हूँ. पीछे बच्चा बैठा है मेरा, पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे देखो तो सही, ये कौन है? So, ये मुझे दुआ दे रही थी, मेरे पास बच्चा है और रेडी पीछे बैठा है, अब दूसरी शादी नहीं करनी, इससे ही बड़ी परेशान हूँ मैं. उसको लग रहा था हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है. ओह नाम लिखा हुआ है ना हाथ पे. यस फाइनली किसी ने तो मेरे पे शक किया. ए प्यारे भाई, उसको दुआ दो दूसरी शादी की. आपकी तरफ मैंने इसको हमजा के हवाले कर दिया, और ट्रैफिक भी पूरा जमा हुआ है, अब हमजा का टाइम पास होगा प्रॉपर. क्या अल्लाह पाक सोना, अल्लाह अल्लाह पाक, ये किस तरह की दुआएं चल रही हैं? नहीं करो बुरी बात, नहीं करो, मना कर दो ना इसको. इसको दुआ दो तीसरी दूसरी शादी की, मैं एक से थक गई हूँ. अब घूम के मेरी तरफ वापस आ रही है, पर मेरी शादी हो चुकी हुई है. अच्छा बोलो बोलो, लाइक लाइक कमेंट शेयर शेयर सब्सक्राइब चलो जाओ, शाबाश. अल्लाह भाई ना भाई के अल्लाह रिसीव. चलो बस अब भाग जाओ, अब हो गया ना, दे दिया ना, अब जाओ. एंड खूबसूरत फल, जस्ट लुक एट दीज आड़ूस. नंबर थ्री है ये खूबसूरत खूबसूरत खेत, द कलर ग्रीन. ऐसा ग्रीन है ये आपको कराची में नहीं दिखेगा, मतलब मटियाला ग्रीन नहीं है, दिस इज जस्ट ब्यूटीफुल ग्रीन. आपको लेफ्ट राइट हर जगह मिलेंगे पेड़, पूरी रोड्स कवर्ड है किसी ठेले या कचरे से नहीं, बल्कि खूबसूरत खूबसूरत पेड़ों से, लेफ्ट राइट घने खूबसूरत पेड़. तो इसी के साथ दिस व्लॉग कम्स टू एन एंड. आई होप आपको पंजाब मेरी नज़र से पसंद आया हो, सियालकोट गुजरांवाला के बीच का रास्ता, थोड़ा थोड़ा गुजरांवाला थोड़ा थोड़ा सियालकोट, और जितना मुझे पसंद आई होप आपको भी पसंद आया हो. और इसी के साथ हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल टुगेदर, और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि जब जब मैं कोई नया वीडियो या नया ब्लॉग पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले मेरे नोटिफिकेशन आप जाके फॉरन फॉरन देख सकें. एंड विद डैट हम मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. या अल्लाह हाफिज कर दो या अनबॉदर्ड, बट अल्लाह हाफिज़.